बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दुबई यूएई ट्रैवल करते थे उन ट्रैवल में जो रुकावट आती थी वो आपको बताते हैं। वो रुकावट एयरपोर्ट में आती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुसाफिर ट्रैवल नहीं कर पाते थे। अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब जो रुकावट आती थी PCR रैपिड टेस्ट की, जो एयरपोर्ट में होता था 5-4 घंटे पहले, अब वो क्या प्रोसीजर है आप वीडियो कहने तक देखें। बड़ी स्पेशल वीडियो है, आपका बड़ा फ़ायदा होगा। आपके 3 टेस्ट होंगे PCR के, और कौन कौन से होंगे आपको बता दें। इस्लामाबाद में भी यहाँ पर रैपिड टेस्ट हो रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट इस्लामाबाद में भी हो रहा है, पेशावर एयरपोर्ट में भी रैपिड टेस्ट हो रहा है PCR का, फिर कराची एयरपोर्ट में रैपिड टेस्ट PCR का हो रहा है, फिर सियालकोट में एयरपोर्ट में PCR रैपिड टेस्ट हो रहा है। अब आपको बताते हैं, आपने 7 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में रह के कोई ऐसी लैब देखनी है जहां से आपने PCR का टेस्ट करवाना है, जो 48 घंटे से पुराना ना हो। एक तो ये होगा, 48 घंटे QR कोड के साथ होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपको 7 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुँचना है। एयरपोर्ट में पहुँचते ही आपको PCR रैपिड टेस्ट किया जाएगा, जिसकी टाइम लिमिट है 4 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी बताते चलें, जब आप पाकिस्तान से चले जाएंगे दुबई या UAE, तो वहाँ पे भी आपको एयरपोर्ट में टेस्ट होगा PCR। तो फिर ये है, आप अगर अबू धाबी जाएंगे तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई भी तो फिर आपको 10 दिन करंटीना करना पड़ेगा, आपके हाथ में वॉच बना दी जाएगी। अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी है तो आपको 6 दिन करंटीना करेगा, लेकिन उस 6 दिन के दौरान आपका जो PCR टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आ गया तो फिर आपको जाने दिया जाएगा। ये थी अपडेट्स लेटेस्ट, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि